हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीपी L2520D मॉडल नंबर का ये प्रिंटर है, ब्रदर का ये प्रिंटर है, मेड इन डिजाइन इन जापान लिखा हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिजाइन इन जापान, मतलब बहुत ही पावरफुल प्रिंटर है, बहुत बढ़िया प्रिंटर है। अभी तक हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आया, बहुत दिनों से मैं यूज कर रहा हूँ इसको, तो इसमें थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम आता है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ है, मतलब इसका जो टोनर है उसको हमको रिफिल करना है, तो टोनर को कैसे रिफिल करते हैं वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पर टोनर लगा हुआ होता है, इसको हम इस तरह से पकड़ के, सॉरी इसको नहीं खोलना है, इसको पकड़ के ऐसे खोल देना, एकदम आसानी से सिंपल है। और उसके बाद ये जो ड्रम का जो ट्रे है इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे, इस तरह से इसको निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गैप बना हुआ रहता है, इसके अंदर सीधा डाल देना रहता है, बहुत ही इजी तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और इसमें आपको काफी कम लो कॉस्ट में आपको बन जाता है ये वाला, तो बहुत अच्छा प्रिंटर है, दिक्कत नहीं है। अभी इसका हम टोनर को कैसे रिफिल करेंगे वो हम अभी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इस तरह से इसको खोलना है, ये वाला लॉक होता है, इसको हम ऐसे दबाएंगे और इस तरह से आसानी से एकदम निकालेंगे, सब कुछ आसानी से निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के साथ आपको जबरदस्ती नहीं करना है, तो इसका एक एक लॉक टूट जाएगा तो फिर समझिए पूरा बर्बाद है, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे, इसी में टोनर फिल होता है, इसमें इसके अंदर में टोनर जो है वो रिफिल होता है। अभी कैसे रिफिल करना है हम आपको दिखाते हैं, जब तक आपको ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे ये जो होता है इसको ड्रम बोलते हैं, ये लेजर जो रोशनी से इसी की वजह से प्रिंट होता है, तो ये लेजर को हमेशा हम लोग को साफ रखना पड़ता है, यहाँ पे हल्का हल्का एकदम, ताकि इसके अंदर यहाँ पे कार्बन आ जाता है, कार्बन नहीं वही टोनर लग जाता है यहाँ पर, तो उसको हम इस तरह से पकड़ के ये जो घुमाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन ये टोनर लगा हुआ है, इसको हम पोछ लेंगे अच्छे से, घुमा करके हल्का हल्का पोछेंगे, दाग इसमें नहीं आना चाहिए ना, तो फिर प्रिंट में आपका दाग आने लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। एकदम हल्का सॉफ्ट कपड़ा से इसको हल्का हल्का पोछना है, इसको ये देखिए इस तरह से पोछना है, इस तरह से इसको पूरा पोछ लेंगे घुमा के चारों तरफ से, तो ये पोछा गया है, साफ हो गया है। उसके बाद सारा चीज का जो डस्ट वस्ट रहता है हल्का हल्का इसको पोछ देना है, ठीक है। कभी कभी आपको सिग्नल देगा यहाँ, वो जो उसमें जो डिस्प्ले ना सिग्नल देता है कि आपको जो वो है वो ग्रीन जो बटन है उसको एक बार मूव कर ले, कभी कचरा आ जाता है तो इससे भी साफ किया जाता है, तो उसमें सिग्नल देता है, तो इसको आपको घुमा करके इस तरह से आपको इसको ऐसे करना है और फिर ऐसे कर देना है, इससे भी साफ हो जाता है, ये क्लीन करने के लिए ही रहता है, ठीक है। ये लॉक है, ये क्लीन करने के लिए हो गया, ठीक है। इसमें आप समझ गए सब कुछ क्या करना है, ड्रम कैसे चेंज करना रहता है, क्योंकि ड्रम का भी लाइफ होता है, तो ड्रम को भी कभी कभी चेंज करना रहता है, तो इसमें इस तरह से इसको रिफिल करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर रिफिल करना रहता है, ये रोल होता है, रोल होने के बाद ये जो प्रिंट होता है, यहाँ पर इसका जो ढक्कन लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है, इसको ओपन करेंगे, इस तरह से ये ओपन हो जाता है। ये ओरिजिनल वाला ड्रम नहीं है, ओरिजिनल वाला में दूसरा सिस्टम रहता है, लेकिन ये मैंने अलग से मंगाया था इसको, तो वो वाला ड्रम का इसका बॉक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टोनर को रिफिल कर देना होता है, तो भाई कैसे करते हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। चल कर दिया, तो ये इसका टोनर है, इस तरह का टोनर आता है, कोई इसमें ब्रांडिंग नहीं किया हुआ है, ऐसे ब्रांड वाला भी आता है, तो ब्रांड वाला कोई ब्रांड नहीं रहता, वो लोकल ही रहता है। ये 200-250 रुपए में मिलता है, एक बॉक्स पूरा इसके अंदर डाल देना होता है, पहले इसके अंदर का जितना भी रहता है उसको निकाल देना होता है, पूरा को क्लियर कर देना होता है झाड़ करके, उसके बाद इसको पूरा रिफिल करेंगे। कभी भी दूसरा कंपनी का टोनर दूसरे कंपनी के साथ मर्ज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आने लगेगा और आपका ये वाला जो ड्रम है वो खराब हो जाएगा। अब इसको अंदर डालने के लिए इसमें डालने में दिक्कत होता है, तो इसलिए हम इसको पेपर से इस तरह का बनाएंगे, या अगर आपके पास कोई वैसा कुछ मटेरियल है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, इस तरह बनाएंगे, यहाँ पे होल कर देंगे और उसके बाद इधर से डाल करके इसके अंदर डालेंगे हम इस तरह से। तो मैं इसको रिफिल करने के बाद आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे आप आगे का प्रोसीजर क्या है। तो
तो रिफिल मैंने कर लिया है, रिफिल करने के बाद अभी एक और काम करना है इसमें, बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि रिफिल करने के बाद फाइनली वो हो नहीं जाता है कंप्लीट। उसके बाद एक स्टेप करना है, एक चीज करना है जिसके वजह से आपका प्रिंट जो है वो शार्प आएगा। तो अभी इसका कवर को मैंने बंद कर दिया है, उसके बाद इसको हम अच्छे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद आपको दिखाते हैं कि उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो क्या होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अदरवाइज आपको एक भी स्टेप अगर मिस कर देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपका जो प्रिंटर है वो काम सही से नहीं करेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। देखिए इसमें आपको इस तरह का जो स्क्रू ड्राइवर है उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। इसका जो यहाँ पर स्क्रू है यहाँ पर और यहाँ पर, इसको ओपन करना होगा। यहाँ पर इसका ब्लेड होता है, ब्लेड को साफ करना पड़ता है, उसके वजह से भी आपका प्रिंट जो है वो लाइट आता है। अगर साफ नहीं रहेगा वहां पे जो है ना वो टोनर है वो जाम हो जाता है थोड़ा सा, तो उसको साफ करना रहता है। तो इस तरह से हम दोनों स्क्रू खोल लेंगे, आसानी से धीरे धीरे करना है, नहीं तो उसका टोनर जो बाहर निकल जाएगा इसका। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इसका ब्लेड है, इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं जाम मिलेगा आपको। इसका जो टोनर है यहाँ पे जो है फिट हो जाता है, यहाँ पे देखिए आप इस तरह से इसको ऐसे करके किया हुआ रहता है। तो इसको आपको सावधानी से, नहीं तो हाथ भी कट सकता है क्योंकि बहुत शार्प होता है ये वाला। तो इसको इस तरह से कपड़ा रखेंगे और कपड़ा रखने के बाद इस तरह से एक बार करके ऐसे पोंछ देंगे, साफ कर देंगे। कितना निकल रहा है यहाँ पर, अभी देखिए आप एकदम साफ हो गया है, और एक बार अच्छे से पोंछ देते हैं। और ये जो है बैंड नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी, नहीं तो फिर प्रिंट में प्रॉब्लम आ जाएगा। एकदम सीधा स्ट्रेट रहना चाहिए, इसको एकदम हल्के हाथों से करना है आपको, एकदम मतलब थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं देना है इसको। इस तरह से साफ कर देंगे, साफ करने के बाद फिर से इसको वापस से उसी तरह से लगा देंगे। यहाँ पे एक स्पंज दिया रहता है, इसको भी टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो इधर से इंक जो है इसका जो टोनर है वो बाहर निकलने लगेगा। तो इस तरह से इसको फिर से फीड कर देते हैं। अच्छा से सेट करके उसके बाद वापस से इसका स्क्रू जो है वो लगा देते हैं। बहुत ज्यादा जोर से टाइट नहीं करना है, नहीं तो टूट जाएगा क्योंकि बहुत मजबूत नहीं होता है सब प्लास्टिक जो है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोनर जो है थोड़ा सा निकला हुआ है बाहर, इसको अच्छे से झाड़ लेंगे कि बाहर की तरफ ना आए। इस तरह से यहाँ पर जो है थोड़ा सा होल हो गया है, इसलिए कि वो रबड़ जो इसका जो स्पंज दिखाए थे आपको वो थोड़ा सा टूट गया है वहां पर, इसकी वजह से उधर से बाहर निकल रहा है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है शुरू में ही कि वो सब चीज गलती ना करें आप। इस तरह से इसको साफ कर लेंगे हल्का, टोनर को जो है इस तरह से हिला लेंगे, इसलिए कि उसमें अंदर से जाके थोड़ा सा बैठ जाता है कहीं कहीं पे। तो इससे क्या होता है कि हल्का हो जाता है वो। और उसके बाद जो है इसमें इसी तरह से जैसे आप लाए थे इस तरह से इसको रखेंगे, इस तरह पकड़ेंगे और एकदम आसानी से इसको इस तरह से रख के प्रेस कर देंगे। ये लॉक हो गया, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ये लॉक हो जाता है। अब उसको सेम इसी तरह इसको ओपन कर लेते हैं और इस तरह से सीधा इसको डाल देना है, दबा देना है अंदर, बस ये लॉक हो गया, फंस गया वहां सही से। उसके बाद इस तरह से क्लोज कर लेना। ये जो है आपका प्रिंटर अभी रेडी हो चुका है, जो लाइट प्रिंट आ रहा था अब वो डार्क प्रिंट आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से रिफिल करते हैं प्रिंटर, इसका जो ब्रदर का जो प्रिंटर है इसका टोनर को इस तरह से रिफिल खुद से करते हैं। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको दूसरी जगह प्रिंटर का शॉप पे जाके करवाना पड़ेगा, तो आपको जो है वो ₹50 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे प्लस टोनर का जो चार्ज होगा वो करेंगे। तो अगर आप मेहनत से बचना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार जो जाएंगे तो आपको बार बार एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा, उससे अच्छा है कि आप अपने से सीख ले और इस तरह से रिफिल कर ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए बनाते रहे। थैंक यू सो मच।